हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे जैसे मैं बढ़िया हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पता है जो हमारे MIUI के डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर MIUI 12 वर्क करता है उनके अंदर एक कंट्रोल सेंटर होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने डिवाइस के अंदर जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे मेरे पास है वीवो का Y12 मोबाइल, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको MIUI कंट्रोल सेंटर आप कैसे एनेबल करोगे वो मैंने थोड़ा सा बताया था। पर उस कंट्रोल सेंटर के अंदर फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम थी कि आपको वहां पर MIUI कंट्रोल सेंटर लिखा मिलता है। अगर वहां पर आप कुछ भी लगा सकते हो फ्रेंड, मतलब अपना नाम चेंज कर सकते हो, अपने चैनल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर जो MIUI कंट्रोल सेंटर लिखा मिलता है आपको डिफॉल्ट में, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से मैंने उस MIUI कंट्रोल सेंटर को चेंज कर अपने YouTube चैनल का नाम ऐड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम अपने डिवाइस के अंदर जो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कोई कंट्रोल सेंटर अभी हमने ऐड नहीं किया, तो वही वाला कंट्रोल सेंटर आपको ऐड करना है MIUI कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर कुछ परमिशन होंगे वो आपको पता ही है, आपको जस्ट अलाउ करना होता है परमिशन को। यहाँ पर सब परमिशन को मैं अलाउ कर देता हूँ, आप एक बार चेकआउट करके अलाउ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर मैं इसे अलाउ कर देता हूं, ये हो गया। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन करना है, यहां से मैं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देता हूं अलाउ। अब ये हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स वो मैं एक बार आपको बता देता हूं, थोड़ा सा मैं बैक चलता हूं। ओके, ये हमारा कंट्रोल सेंटर अब हमारा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, जैसे यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आपको कंट्रोल सेंटर लिखा मिलता है, ऊपर की तरफ कंट्रोल सेंटर आपको मिलता है, इसको मैं चेंज करने वाला हूं। किस तरह से चेंज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसी के अंदर आपको सारे फंक्शनिंग मिलेंगे। वैसे तो आपने पता ही होगा इसके अंदर काफी ज्यादा फंक्शन है, लेआउट वगैरह, कलरिंग वगैरह, एज ट्रिगल वगैरह, पॉपअप वगैरह, सब आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। तो यहां पर आप जैसे ही आप लेआउट पर ओके करोगे, यहां पर लेआउट पे मैं ओके करता हूं, लेआउट पर ओके करने के बाद आपको तुरंत से यहां पर मिलेगा एक नीचे की तरफ थोड़ा सा कस्टम टेक्स्ट। तो आपको करना क्या है, यहां पर कस्टम टेक्स्ट की जगह अपना कोई भी नाम रख देना है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूं मिस्टर हनी, यहां पर भाई मैं मिस्टर लिखता हूं और हनी, यहां पर मैंने मिस्टर हनी लिखा एंड देन ओके। ओके करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहां पर शो डेट एंड टाइम्स वगैरह आप कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। स्लो स्लाइडिंग वगैरह आप कर सकते हो, एनिमेशन वगैरह, स्वाइप अप पैनल्स वगैरह वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब जो हमारा कंट्रोल सेंटर है, अब आप देख सकते हैं, यहाँ सॉरी जस्ट वेट फ्रेंड, मैं फीचर्स को पहले ऑन कर देता हूं, मैंने ऑफ कर दिया, ये मैं ऑफ कर देता हूं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो यहां पर ऊपर की तरफ आपको मेरे चैनल का नाम मिलेगा मिस्टर हनी। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। पर भाई जो ये लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर अभी इसका अपडेट वगैरह आया है तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, पर इसके अंदर स्मॉल कॉर्नर्स वगैरह भी आप ऑन कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस हो जाएगा, जैसे मैं भाई कॉर्नर्स को ऑफ करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है। इंटरफेस में काफी हद तक चेंज किया गया है भाई, एक बात है आपको काफी अच्छा है ये, अगर आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। परमानेंट इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, सीधा आपको यहां से लॉक करना पड़ेगा, यहां से मैंने इसको जैसे लॉक कर रखा है तो क्या होगा, लॉक करने के बाद ये जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो बिल्कुल सही से वर्क करेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से सारे परमिशंस को अलाउ कर दिया आपने, अब आप देख सकते हैं यहां पर आप भाई कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होगी, काफी अच्छे से वर्क करेगी, कोई इशू नहीं है। फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके डाउनलोड कीजिए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यहां पर आप कुछ भी डाल सकते हो, कस्टम URL में अपना नाम डाल सकते हो, काफी अच्छा लगता है फ्रेंड्स देखने में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो कीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।